उससे कुछ 3-4 बरस पुराने के सारे रिकॉर्ड देख लिए, उनकी आपस में तुलना की, उससे साफ जाहिर हुआ कि जहां वो खेती कर रहा था वहां पहले काफी घना जंगल था। अब इतना ठोस सबूत मिलने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाया और अदालत ने भी इस उपग्रह की इस गवाही पर विश्वास किया। देख सच्ची, अगर फिर से शरारत करोगे ना तो उसका रिकॉर्ड हम उपग्रह के पास से मंगवाएंगे, फिर बच नहीं पाओगे। बच गया बच्चू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आंखें इतनी बारीकी से सब कुछ देख सकती है तो क्या ये शिकारियों को नहीं पकड़वा सकती? हाँ, ख्याल तो अच्छा है, काश उन बदमाशों को भी पकड़वा सकते जो राइनो को परेशान कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या है, जल्दी। क्या है, क्या है, क्या है जोंडी? ये देखो सामने। यार जोंती, मजाक करना है तो कम से कम मिठाई का करो। लीद का मजाक भी कोई मजाक है? वो तो वहां भी थी काफी। लीद नहीं लल्लू, लीद के अंदर देख, दिखाई पड़ा आदमी के पैर का निशान, अंगूठा गायब। अरे हाँ सच्ची, दाहिना पैर है। इसका मतलब है कि पोचर के दाहिने पैर का अंगूठा कटा हुआ। और एक नहीं ढेर सारे निशान, वो उधर। लेकिन पोचर्स कितने थे? हाँ पोचर्स कितने थे? 5 या 6 भी हो सकते हैं। बराबर, 5 या 6 भी हो सकते हैं। अच्छा, जो इसके मुंह से निकले तेरे भी मुंह से निकलना जरूरी है क्या? अच्छा बोल। मैं गधा हूँ। हाँ बोल। इसमें क्या शक है यारो? अब जाने से पहले आज का सुविचार तो सुन लो। उद्यमे न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात सिर्फ हवाई किले बनाने से कोई काम पूरा नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मिसाल के तौर पे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ब खुद तो जाएगा नहीं। Yeah.